नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में। पूजा, एक नजर डालते हैं देश और प्रदेश की फटाफट खबरों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे उज्जैन। महाकाल मंदिर के दर्शन करने के बाद इंदौर में कहा, मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। राजनीति में आने के सवाल पर कहा कि जनता अगर चाहेगी तो जरूर तैयार है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोरोना का कहर, 24 घंटों में 2 स्कूल के 5 बच्चे मिले संक्रमित, मचा हड़कंप। देश में 24 घंटे में कोरोना के 861 नए केस मिले, 6 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए 13 अप्रैल तक बुक होगा स्लॉट, वैधता बढ़ी, समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदारी जारी। इसके बाद भी किसान को 7 दिनों के भीतर गेहूं लेकर सेंटर पर पहुंचाना होगा। अपने तहसील के किसी भी सेंटर पर गेहूं बेच सकेंगे किसान। 100 साल पुराना पुल टूटने से NH-69 हुआ बंद, हादसे के बाद रूट किया गया डायवर्ट। इस रूट से भोपाल नागपुर के बीच की दूरी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बढ़ी। अकेले भोपाल से बैतूल तक का सफर करने वालों को 96 किलोमीटर ज्यादा चलना होगा। नए रूट के मुताबिक भोपाल से आने वाली गाड़ियां नर्मदापुरम भोपाल तिराहे से होते हुए गुलरिया तिमरनी हरदा से जोड़ी होकर बैतूल जाएंगी। हल्की गाड़ियों के लिए NHAI सुप्तावा नदी पर अस्थायी मार्ग बना रहा है। ये रूट करीब 2 दिनों में होगा तैयार। ब्रिटिश के जमाने का सुप्तावा पुल रविवार को टूटने से हुआ ट्रैफिक बंद। रामनवमी जुलूस पर एक समुदाय के विशेष लोगों ने किया पथराव, आगजनी तोड़फोड़, कई पुलिसकर्मी घायल, कुछ इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू। MP के खौरगोन में हुई आगजनी की घटना, उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए छोड़े गए आंसू गैस के गोले। करौली से कर्नाटक तक 7 राज्यों में हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदूवादी संगठनों के घेरा। IMIM अध्यक्ष ने हिंदूवादी संगठनों को बनाया निशाना, कहा हिंदूवादी संगठनों ने अलग अलग जगह की हिंसा और उनको पुलिस ने उकसाया या फिर हिंसा में दिया साथ। गोरखपुर जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों ने मुख्यमंत्री को सुनाया दर्द, हिंदू सेवा आश्रम में लगाया गया जनता दरबार। दूर दूर से आए अधिकारियों की फरियाद सुनी और अधिकारियों के मामले में त्वरित निराकरण का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन की शुरुआत गो सेवा और ब्रह्मलीन गुरुओं के पूजन से किया। पूजन के बाद वो सीधे जनता दरबार पहुंचे और एक एक कर सभी फरियादियों के पास जाकर उनकी फरियाद सुनी। विदिशा में नदी के किनारे वीडियो बनाते समय 2 चचेरे भाइयों की नदी में डूबने से हुई मौत, त्रिवेणी घाट में हुई घटना। शहर के हरिपुरा खिरिया निवासी अमन दीक्षित और आयुष दीक्षित की हुई मौत। बाइक से त्रिवेणी घाट स्थित राम लक्ष्मण के मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे युवक, बाइक मंदिर के बाहर और मोबाइल घाट में बरामद। पश्चिम बंगाल के नदिया के हंसखाली में नाबालिग की सामूहिक दुष्कर्म के पश्चात मौत, लड़की के घर वालों का आरोप, TMC नेता के बेटे ने बर्थडे पार्टी में नाबालिग के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। आरोपी सोहेल गायली घटना के बाद फरार, सोहेल कविता समरेंद्र गायली क्षेत्र में TMC पंचायत सदस्य। भारतीय जनता पार्टी का आरोप, TMC के दबाव में पुलिस मामले को दबाने में लगी। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जारी किया वीडियो। वीडियो में JNU में वामपंथी संगठन SFI के अध्यक्ष हरेंद्र शेषवा दिखे पत्थर फेंकते, JNU में रामनवमी की पूजा करने से रोकने। तो दूसरी तरफ AISA ने दावा किया कि मीट खाने पर कावेरी हॉस्टल के सचिव से की गई थी मारपीट, पूरे मामले की पुलिस कर रही है जाँच। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हाईवे पर मोहम्मदाबाद के पास स्कॉडा कार बनी आग का गोला, बरेली जा रहे दिल्ली निवासी कार चालक ने कूद कर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना, त्यागी बिहार निवासी संदीप शर्मा की बाल बाल बची जान। महात्मा फुले की जयंती, प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा महात्मा फुले को सामाजिक न्याय के चैंपियन और अनगिनत लोगों के लिए आशा के स्रोत के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है सम्मानित। महात्मा फुले ने सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया था अथक प्रयास। खारगोन दंगे मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, जिस घर से पत्थर आया उन्हें पत्थर का ढेर बना देंगे, अब तक 77 गिरफ्तार। मदुरई खारगोन और बड़वानी में रामनवमी के जुलूस पर पथराव की घटना को लेकर सरकार ने दिखाई सख्ती। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले में हैवानियत का मामला आया सामने, 58 साल की महिला के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, बाल खींचते हुए ले गया, फिलहाल भूसों से की पिटाई, महिला की हुई मौत। विक्षिप्त महिला के साथ हुई हैवानियत भरी घटना, CCTV कैमरे में बाल खींचता दिख रहा है आरोपी। आरोपी किशन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। तस्करों ने गौरक्षकों पर की फायरिंग, चलती गाड़ी से गायों को फेंका, पुलिस ने 22 किलोमीटर तक पीछा कर किया गिरफ्तार। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। भोरसी में पुलिस ने नाकेबंदी कर टाटा 407 और वाहन को पीछा कर पकड़ा, 2 तस्कर जान बचाने के लिए फ्लाईओवर के नीचे कूदे, तस्करों के हाथ पैर हुए फ्रैक्चर। आरोपियों में बल्लू तस्लीमा, पापा शहीद और खालिद नाम आए सामने। मध्य प्रदेश के खारगोन में रामनवमी पर हुए सांप्रदायिक दंगों का चौंकाने वाला हुआ खुलासा, उपद्रव नहीं बल्कि पहले से की गई थी तैयारी। असामाजिक तत्वों ने घर की छतों पर पेट्रोल बम और पत्थरों का किया था भारी इंतजाम, प्लानिंग के तहत श्रीराम शोभा यात्रा में किया गया हमला।
झारखंड के देवघर में चित्रकूट पहाड़ पर बड़ा हादसा, रूप में फंसे कई पर्यटक, एक की मौत। पर्यटकों को सकुशल नीचे उतारने के लिए जिला प्रशासन एवं एनडीआरएफ की टीम, बचाव कार्य जारी। राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के द्वारा फंसे यात्रियों को सकुशल वापसी कराई जाएगी। प्रधानमंत्री के आह्वान पर जबलपुर जिले में खोदे जाएंगे 75 अमृत सरोवर। जल संरक्षण के लिए जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में अमृत जलाशय का निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोकसभा क्षेत्र में शुरू हुआ अमृत जलाशय बनाने का कार्य। इस अभियान की शुरुआत सोमवार से इमरती तालाब के जीर्णोद्धार से होगी। उक्त जानकारी लोकसभा में सचेतक एवं सांसद राकेश सिंह ने दी। नागालैंड में हिमाचल के जवान के साथ हुई बर्बरता, चेक पोस्ट पर लटका मिला शव। हमीरपुरा जिला के ग्राम पंचायत मथुरा के गांव सिवनी का रहने वाला था जवान, असम में तैनात था सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार। परिजनों ने भारत सरकार से मामले की जांच करने की मांग। फटाफट खबरों के लिए देखते रहिए ब्रांच 24 न्यूज। नमस्कार।